बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक रिलेटेड है नर्वस एंड सेंसरी सिस्टम्स ऑफ द बर्ड्स। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो बर्ड्स हैं उनके अंदर बहुत सारी सेंसरी अडेप्टेशन मौजूद होती हैं। लाइक एग्जांपल मैं आप डिस्कस करूँगी एक माउस की और एक आउल की। रात के अंधेरे में माउस जो है आराम से दबे पाँव कहीं मूव कर रहा है, ठीक है, किसी स्टोर में मूव कर रहा है या किसी खेत में मूव कर रहा है, तो क्या होता है कि आउल को, हालांकि वो अंधेरे में होता है उसको दिखाई नहीं देता, लेकिन क्या होता है कि आउल को जो है ना उसके पाँव की, दबे पाँव की जो हल्की हल्की की साउंड्स हैं वो भी इसकी डायरेक्शन वो फील कर लेता है, महसूस कर लेता है। और फिर क्या होता है कि अचानक से वो, जैसे उसको कुतरने की आवाज़ आती है तो उसको कंफर्म हो जाता है कि चूहा है, और जो डायरेक्शन है वो आउल फील कर लेता है, क्योंकि उसकी सेंसरी सुनने की जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जिसके बाद वो फिर मूव करता है फ्लूटेड टिप्स की मदद से, यानी बहुत आहिस्तगी के साथ, यानी अपने पर जो हैं वो बिल्कुल ऐसे स्मूथली मूव करके आता है, और क्या होता है कि ताकि चूहे को पता ना चले, ठीक है, फ्लूटेड टिप्स ऑफ द विंग्स, ठीक है, वो आपके पास इम्परसेप्टेबल होती हैं माउस के लिए, तो आराम से फिर वो अपने प्रे को शिकार कर लेता है, माउस को खा जाता है, ठीक है। तो आउल्स के जो ईयर्स हैं वो उसको गाइड करते हैं टुवर्ड्स इट्स प्रे, नॉट इट्स आईज, ठीक है। और तकरीबन ये 75% जो है ना एक्यूरेसी के साथ अपने शिकार को हासिल कर लेता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बर्ड्स की जो सेंसरी एबिलिटीज़ हैं वो कितनी ज़्यादा वेल अडेप्टेड हैं और हाई हैं। इसी वजह से बर्ड्स के जो फोर ब्रेन होते हैं वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप होते हैं, बहुत लार्जर होते हैं एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द रेप्टाइल्स। और उसकी वजह यह है कि इसमें इनलार्जमेंट होती है इसके सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स की, और इन्हीं के अंदर एक रीजन होता है ग्रे मैटर का जिसको हम कॉर्पस क्रिएटम कहते हैं, जो कि फंक्शन करता है विजुअल लर्निंग में, फीडिंग में, कोचशिप में और नेस्टिंग में। आपको पता है कि बर्ड्स के अंदर ये सारी एबिलिटीज बहुत वेल डेवलप है। उसकी रीज़न ये है कि फोर ब्रेन में इनका जो पोर्शन है जो इसको कंट्रोल करता है कॉर्पस क्रिएटम, वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप है, ठीक है। इसके अलावा इनके पास एक पाइनल बॉडी होती है रूफ ऑफ दी फोर ब्रेन, जो कि आपके पास स्टिमुलेट करती है इनकी ओवेरियन डेवलपमेंट को, और इसके अलावा बाकी जो फंक्शन डे और लाइट, दिन और रात से के डार्क और लाइट पीरियड से रिलेटेड होते हैं, उनको भी कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। इसके अलावा इनके पास एक ऑप्टिक टैक्टम होता है जो कि प्रेजेंट होता है मिड ब्रेन के रूफ के ऊपर, ठीक है, वो आपके पास कॉर्पस क्रिएटम से मिल के कंट्रोल करता है डिफरेंट इंटीग्रेटिंग सेंसरी फंक्शंस। क्या आपने देखा था ना कि वहाँ पे विजुअल लर्निंग और फीडिंग वो सारी चीज़ें हैं, तो वो रिलेट करती हैं, इंटीग्रेट करती हैं आपस में चीज़ें, तो वो ऑप्टिक टैक्टम का काम है। नेक्स्ट मिड ब्रेन जो है वो रिसीव करता है सेंसरी इनपुट फ्रॉम द आईज, और जैसे कि रेप्टाइल्स में हाइंड ब्रेन होता है वहाँ पे सेरिबलम और सेरिबलम एंड मेडुला ऑब्लॉन्गेटा होता है, बिल्कुल सेम लाइक यहाँ पे भी सेम चीज़ है, और यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन होती है मोटर एक्टिविटीज़ की और रेगुलेशन होती है हार्ट एंड रिस्पायरेटरी रेट्स की। जी तो अब हम बर्ड्स में देख लेते हैं बेटे, विजन जो होती है, विजन जो है वो इम्पॉर्टेंट सेंस है बर्ड्स के अंदर, मोस्टली बर्ड्स के अंदर। स्ट्रक्चर ऑफ़ द आईज को अगर हम देखते हैं तो वो सिमिलर होता है दूसरे वर्टीब्रेट्स की तरह, लेकिन जो आईज होती हैं इनकी वो काफ़ी लार्जर होती हैं बाकी वर्टीब्रेट्स से बॉडी साइज़ के अकॉर्डिंग। ये परिंदे जो है ना, आपको पता है उनका बॉडी साइज़ कम होता है लेकिन उनकी आईज उस हिसाब से बड़ी होती हैं। और अगर आप यहाँ पर देख लेते हैं कि आईज़ का स्ट्रक्चर में मज़ीद डिटेल्स, यहाँ पे कुछ समवट फ्लैटनड होती हैं एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन के अंदर, और बर्ड्स की जो आईज़ होती हैं जिस तरह के शिकारी परिंदे जो होते हैं उनकी जो है प्रोट्रूड आउट होती हैं एंटीरियरली, ठीक है। बर्ड्स ऑफ प्रे की आईज़ प्रोट्रूड आउट बाहर थोड़ी सी निकली हुई होती है, बल्जिंग कॉर्निया जो है, ताकि उनको विजन में ज़्यादा हेल्प मिल सके। और इसके अलावा बर्ड्स के अंदर एक फीचर होता है यूनिक जिसको हम डबल फोकसिंग मैकेनिज्म कहते हैं, जिसमें आपके पास पैड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि दूसरे रेप्टाइल्स में भी होते हैं, जो कि कंट्रोल करते हैं कर्वेचर ऑफ दी लेंस को, और सीलियरी मसल्स वगैरह जो होते हैं वो कर्वेचर ऑफ दी कॉर्निया को। तो इस तरीके से फिर ये बहुत अच्छी तरीके से डबल फोकसिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है ना डबल फोकसिंग जो है ये बढ़ा देती है, डबल कर देती है नियरली इंस्टेंटेनियस, कुछ एक इंस्टेंट के लिए ताकि वो फोकस करें अपनी प्रे के ऊपर, और ख़ासकर जो प्रे ऑफ बर्ड्स जो हैं, बर्ड्स ऑफ प्रे सॉरी, वो जो हैं वो फोकस रहते हैं, जैसे कि वो आसमान में उड़ रहे हैं और नीचे वो पानी में बहते हुए पानी में फ़िश को मूव करते हुए तेज़ी से देखते हैं, लेकिन वो फोकस रहते हैं फ़िश के ऊपर, फ़ौरन उसके ऊपर अटैक करके उसको प्रे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास डबल फोकसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं बेटे दैट इज रेटिना. रेटिना ऑफ द बर्ड जो है वो थिक होता है और इसके अंदर रॉड और कॉन्स होते हैं. रॉड जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं लो लाइट इंटेंसिटीज़ के लिए, और जो कॉन होते हैं वो एक्टिव होते हैं फॉर दी हाई लाइट इंटेंसिटीज़. और जो कॉन्स होते हैं वो कंसनट्रेटेड होते हैं एक स्पेशल पॉइंट के ऊपर जिसको हम कहते हैं फोविया. ठीक है, तकरीबन आपके पास जो फोविया होता है उसके अंदर पर मिलीमीटर स्क्वेयर के अंदर अगर हम सेल्स काउंट करें तो वो कितने सेल्स हो सकते हैं, तकरीबन बेटे 1,00,000 के करीब जो है ना सेल्स में मौजूद होते हैं फोकल पॉइंट के ऊपर जिसको हम कहते हैं फोविया. अब जो फोविया है बाकी वर्टिब्रेट्स में तो एक फोविया होता है पर आया, लेकिन कुछ बर्ड्स के अंदर एक टाइम पे एक आइस के अंदर दो फोविया होते हैं. एक जो फोविया होता है उसको हम सर्च फोविया कहते हैं, दूसरे को हम कहते हैं परसूट फोविया. जो सर्च फोविया होता है आपके पास ये जो है सेंटर ऑफ द रेटिना के ऊपर होता है. ठीक है, और इसको सर्च फोविया इसे कहते हैं कि आपके पास ये वाइड एंगल मोनोक्युलर जो है ना विजन प्रोवाइड करता है. इसके अलावा जो दूसरा फोविया होता है जो कि पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द रेटिना, वो मिडिल में था. ठीक है, ये कहाँ पे है, पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द रेटिना. ये फंक्शन करता है पोस्टीरियर फोविया फॉर आई टू अलाउ द बाइनोक्युलर विजन. तो एक मोनोक्युलर विजन का दूसरा बाइनोक्युलर विजन के लिए आपको हेल्प आउट करता है. और एक में आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बायोलॉक्यूलर विजन है आपके पास क्या प्रोवाइड करती है, डेप्थ परसेप्शन, यानी कि कितना किस एंगल पे और कितना दूर कितना नज़दीक, उनको ये डेप्थ परसेप्शन जो है ना परसूट फोबिया से हो जाती है बायोलॉक्यूलर विजन से, और जो कि उनको प्रे कैप्चर करने में हेल्प आउट करती है. लेकिन इससे तो ये जाहिर होता है ना कि सिर्फ आपके पास बर्ड्स ऑफ प्रे में आपके पास ये होगा सर्च फोविया एंड परसूट फोविया, लेकिन ऐसा नहीं है. आपके पास जो दूसरे बर्ड्स होते हैं उनके अंदर भी सर्च फोविया होता है और दूसरा आपके पास परसूट फोविया होता है. सर्च फोविया को इस्तेमाल करते हैं लैंडिंग के लिए, जब वो लैंडस्केप को ऑब्जर्व करने के लिए फ्लाइट के दौरान जब नीचे उतरते हैं, और जो परसूट फोविया होता है उसको इस्तेमाल करते हैं डेप्थ परसेप्शन के लिए जब वो किसी दरख्त वगैरह के ऊपर उतरते हैं कि दरख्त कितना नीचे है कितना ऊपर है, टहनी दाएँ हैं बाएँ हैं, तो वहाँ पे उसको डेप्थ की ज़रूरत होती है. ठीक है, तो बाकी बर्ड्स में भी ये दोनों फोवियाज होते हैं. इसके अलावा अगर पोजीशन ऑफ द आइज की बात करते हैं तो पोजीशन ऑफ आइज जो है ना हेड के ऊपर होती है आपको पता है, और लेकिन पोजीशन हेड के ऊपर सामने है पीछे है बैक साइड पे कहाँ पे है कितना दूर है, तो वो आपके पास इन्फ्लुएंस करती है डिग्री ऑफ बायोलॉक्युलर विजन के ऊपर. जैसे आप पिजन्स को देख सकते हैं, पिजन्स की जो आईज़ होती हैं वो आपके पास वेल बैक होती हैं, यानी कि काफ़ी पीछे करके साइड्स पे दोनों हेड्स के साइड्स पे मौजूद होते हैं, हेड्स के दोनों साइड्स पे मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से तकरीबन इसको 360 डिग्री मोनोक्युलर विजन मिलेगा. ठीक है, मोनोक्युलर विजन मिलेगा और यहाँ पे जो बायनोक्युलर फील्ड है उसका बहुत रिड्यूस हो जाएगा. जबकि इसकी और ये दाने चुगने वगैरह में और जो है ना प्रेडेटर वगैरह से बचने में काफ़ी है उसको इतना विजन. लेकिन जब हॉक्स वगैरह का जिक्र करते हैं तो हॉक्स वगैरह जो हैं या आउल्स वगैरह उनके अंदर जो आईज हैं वो काफ़ी आपके पास फार्दर फॉरवर्ड होती हैं हेड के, मतलब सामने वाली साइड पे ज़्यादा होती हैं बैक साइड पे ज़्यादा नहीं जाती, जिसकी वजह से उनकी बायनोक्युलर विजन जो है ना वो ज़्यादा इम्प्रूव होती है और जो उनकी मोनोक्युलर विजन है वो थोड़ा सा कम होती है उनके अंदर. तो एक साइड पे आपने देखा कि वेल बैक था तो मोनोक्युलर विजन थी, और यहाँ पे आप देखें आउट वगैरह में फार्दर फॉरवर्ड है तो यहाँ पे बायनोक्युलर विजन है. रेप्टाइल्स की तरह जो बर्ड्स हैं उनके अंदर भी निकेटिंग मेम्ब्रेन्स होती हैं, और निकेटिंग मेम्ब्रेन्स आपको पता है क्लेंजिंग एंड आई प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं. इसके अलावा ऑल्फैक्टरी सेंस को देख लेते हैं. ऑल्फैक्टरी सेंस जो है इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है बर्ड्स के अंदर, उसका बहुत मिनिमल रोल है इनके अंदर. एक्सटर्नल नेल्स जो होते हैं वो आपके उस बेस ऑफ द बीक के ऊपर चोंच के ऊपर होते हैं, और ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम इसके अंदर बहुत पुअरली डेवलप होती है, जबकि आप लोगों ने रेप्टाइल्स में वो बहुत हाईली डेवलप पड़ी थी. इसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस तो होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो टर्की वगैरह होता है, टर्की वल्चर्स जो होते हैं वो जाहिर सी बात है वो डेड ऑर्गेनिज्म को खाते हैं ना, तो उनका क्या है कि वो लोकेट करते हैं दे आर डेड एंड डिकिंग प्रेइंग बाय दी स्मेल, तो इनके अंदर थोड़ी सी इन्फेक्शन वेल डेवलप होती है. इसके अलावा जो बर्ड्स हैं उनके अंदर अगर हेयरिंग का जिक्र करेंगे तो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप है, जैसे शुरू में मैंने बताया भी था आउल्स के अंदर, और छोटे से फेदर्स जो होते हैं लूज डेलिकेट फेदर जिनको हम कहते हैं ऑरिक्यूलर्स, वो कवर करते हैं एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स को. और बेटे मिडिल और इनर ईयर का जहाँ तक जिक्र है तो वो स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है लाइक दैट ऑफ द रेप्टाइल. सेंसिटिविटी का अगर जिक्र करते हैं हम एवियन ईयर की, तो तकरीबन 100 से लेके 15,000 हर्ट्ज़ तक होती है, जो कि तकरीबन ऑलमोस्ट सिमिलर है ह्यूमन ईयर के साथ, जो कि ह्यूमन की 16 से लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक होती है. वो हम देख लेते हैं बेटे एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन इन बर्ड्स. जी, तो अब हम मूव करते हैं एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन की तरफ. तो बर्ड्स के और रेप्टाइल्स की जो आपके पास ऑस्मोरेगुलेटरी या एक्सक्रीटरी डिमांड्स हैं वो तकरीबन सिमिलर हैं, बल्कि आइडेंटिकल हैं. जैसे कि रेप्टाइल्स के अंदर आपने देखा था उसी के तरीके से बर्ड्स के अंदर भी यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट होता है, और टेम्परेरली इसको क्लैका के अंदर ही स्टोर किया जाता है,
हमने रेप्टाइल्स में ये भी देखा था कि पानी रीअब्जॉर्ब हो जाता था कलैका में, तो बर्ड्स में भी सेम रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। और इसके अलावा आपके पास जो रेप्टाइल्स हैं वहाँ पे एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड जो है पानी को कंजर्व करती है और प्रमोट करती है एम्ब्रियो डेवलपमेंट को टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर। सेम लाइक दैट ये सारी फीचर्स आपको बर्ड्स में भी मिलेंगे, लेकिन बर्ड्स के अंदर आपको एक एडिशनल फीचर भी मिलेगा जो कि आपके पास सुप्रा ऑर्बिटल सॉल्ट ग्लैंड्स का है। सुप्रा ऑर्बिटल सॉल्ट ग्लैंड्स जो होते हैं तकरीबन ये एक्सेस अमाउंट ऑफ द सोडियम क्लोराइड को जो है ना एक्सक्रीट आउट करते हैं फ्रॉम द बॉडी नेजल ओपनिंग्स के थ्रू आउट से द बॉडी, ठीक है। और ये स्पेशली इंपॉर्टेंट होते हैं मरीन बर्ड्स के अंदर क्योंकि वो ज़्यादातर सी वाटर पीते हैं और उसके अलावा इनवर्टिब्रेट्स को खाते हैं। इनवर्टिब्रेट्स ज़्यादातर मरीन में होते हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडी में सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनकी टिश्यूज़ में बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स आ जाते हैं जिसको वो एक्सक्रीट आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सॉल्ट ग्लैंड जो है ना एक्सक्रीट कर सकते हैं सॉल्ट एक ऐसे सोल्यूशन के अंदर भी जो कि उनके बॉडी टिश्यूज़ की निस्बत काफ़ी ज़्यादा 2 times or 3 times ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है। तो इस लिहाज से जो सॉल्ट ग्लैंड्स होते हैं वो कंपनसेट करते हैं किडनीज़ की इनएबिलिटी टू कंसनट्रेट द सॉल्ट्स इन द यूरिन। अब थोड़ी सी फिगर्स को एलैबोरेशन जो है ना उसकी देख लेते हैं बेटे। ये तो फिगर बेटे आप देखें 21.12 इसके अंदर एवियन विजन का दिखाया हुआ है, द फील्ड्स ऑफ व्यू ए में पिजन दिखाया हुआ है, बी में हॉक दिखाया हुआ है और सी में आपको वुडकॉक दिखाया हुआ है। तो वुडकॉक्स की जो आईज होती हैं लोकेट कर सकती हैं फॉर पोस्टीरियरली और उनकी आपके पास नैरो फील्ड ऑफ बायनोकुलर विजन होती है, ठीक है। और इसके अलावा दे कैन फोकस ऑन द प्रीडेटर्स सर्कलिंग अबव देम और वाइल प्रोबिंग फॉर देयर लॉन्ग बीक्स। अब होता क्या है कि ये आप देख सकते हैं, मैं अब आपको थोड़ा सा एलैबोरेशन दूंगी। पिजन के अंदर आप देखें ये जो आपको ये जो फील्ड नज़र आ रही है थोड़ा सा डार्कर कलर, ये आपके पास बायनोक्युलर विजन है और ये बाकी जो नज़र आ रहा है ये आपके पास क्या है मोनोलॉक्युलर विजन है, ठीक है जी। अब ये जो बायनोक्युलर और मोनोलॉक्युलर ये आपके पास मोनोलॉक्युलर विजन है। अब देखिए पिजन में कौन सी विजन ज़्यादा है, मोनोलॉक्युलर फील्ड ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि आप इसकी आइज़ देख सकते हो। इसकी आइज़ जो है बेटे ये देखें ये दोनों साइड्स पे अलग अलग लोकेटेड है, एक इस साइड पे है, एक इसकी इधर हेड के दूसरी साइड पे लोकेटेड होगी, तो ये आपके पास मोनोलॉक्युलर विजन ज़्यादा देता है। जबकि हॉक में देखें, हॉक में आपकी थोड़ी सी कंपेरेटिवली बल्ज आउट है इसकी आइज और फॉरवर्ड है, ठीक है, जिसकी वजह से आप देख सकते हो इसकी बायनोक्युलर विजन काफ़ी ज़्यादा है, मोनोलॉक्युलर का फील्ड इसका कम हो गया। जबकि वुडलॉक के अंदर आप देख सकते हो कि जहाँ पे इसकी चोंच है यहाँ पे आप इसको सिर्फ इसकी बायनोक्युलर विजन है, बाकी आप तकरीबन इसकी मोनोलॉक्युलर विजन देख सकते हैं। तो पोजीशन ऑफ द आईज जो हैं वो डिटरमिन करती हैं आपके पास कैसी विजन होगी। यहाँ पे आप जूनियोजेनाइटल सिस्टम ऑफ द पिजन देख सकते हैं बेटे फिगर 21.13 में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें जब आपको मैं ओवरीज वगैरह पढ़ाऊंगी तो उसके अंदर डिटेल के अंदर आप समझ लोगे, लेकिन यहाँ पे चूंकि अभी हम ऑस्मोरेगुलेशन पढ़ चुके हैं और एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे सिर्फ आप ये देख लो ये किडनी है, ठीक है, और ये उसका यूरेटर है और उसके बाद फिर यहाँ पे कोलेका है, ठीक है। तो ये आपके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम के हवाले से इंपॉर्टेंट हो गया। इंशाल्लाह जो आपके पास ओविडक्ट और ओवरी और बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर कराऊंगी। तो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।